स्टूडेंट्स, आज मैं आपको एक स्टोरी बताऊंगा जो क्लास 10 सीबीएसई का है और यह स्टोरी एक पोयम के रूप में लिखी गई है और इस पोयम का नाम है द टेल्स ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन और इसके राइटर हैं ऑगडेन नेस। इसके पहले कि आप कहानी में लीन हो जाएं, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर अच्छी ना लगे तो डिसलाइक करें और आप वीडियो में क्या कुछ चाहते हैं कमेंट बॉक्स में बताएं। विलिंडा लिव्ड इन ए लिटिल व्हाइट हाउस विथ ए लिटिल ब्लैक किटन एंड ए लिटिल ग्रे माउस एंड ए लिटिल येलो डॉग एंड ए लिटिल रेड वैगन एंड ए रियलियो ट्रूलियो लिटिल पेट ड्रैगन। इस स्टैंजा में बताया गया है कि विलिंडा कहाँ रहती है, किन लोगों के साथ रहती है और क्या कुछ उनके पास है। विलिंडा एक छोटे से सफ़ेद से घर में रहती है। विलिंडा लिव्ड इन ए लिटिल व्हाइट हाउस। विलिंडा एक छोटे से सफ़ेद से घर में रहती थी विथ ए लिटिल ब्लैक किटन एंड ए लिटिल ग्रे माउस और उसके साथ एक छोटी काली बिल्ली का बच्चा था और एक छोटा भूरे रंग का चूहा था एंड ए लिटिल येलो डॉग एंड ए लिटिल रेड वैगन और एक छोटा सा पीले कलर का येलो कलर का डॉग था, कुत्ता था और एक छोटा सा लाल रंग का वैगन था। वैगन एक गाड़ी होती है चार पहियों वाली जिसे कोई पशु जैसे घोड़ा वगैरह खींचता है एंड ए रियलियो ट्रूलियो लिटिल पेट ड्रैगन और एक जीता जागता पालतू था ड्रैगन। नाउ द नेम ऑफ द लिटिल ब्लैक किटन वाज इंक एंड द लिटिल ग्रे माउस सी कॉल्ड हिम ब्लिंक एंड द लिटिल येलो डॉग वाज शार्प एज मस्टर्ड बट द ड्रैगन वाज ए कावर्ड एंड द कार एंड सी कॉल्ड हिम कस्टर्ड। इन पंक्तियों में सभी का इंट्रोडक्शन दिया गया है, जो पेट्स हैं उनके नाम क्या हैं। नाउ द नेम ऑफ द लिटिल ब्लैक किटन वाज इंक, जो वह छोटी सी बिल्ली का बच्चा है उसका नाम है इंक एंड द लिटिल ग्रे माउस और छोटे से भूरे से चूहे का नाम है, उसको पुकारती है सी कॉल्ड हिम ब्लिंक, उस चूहे को विलिंडा ब्लिंक कह के बुलाती है एंड द लिटिल येलो डॉग वाज शार्प एस मस्टर्ड और वो छोटा सा पीले रंग का कुत्ता सरसों के रंग का तेज सरसों के रंग का है सॉरी उसका नाम मस्टर्ड है। कुत्ते का कलर तो पीला है और मस्टर्ड भी पीले रंग का होता है तो उस छोटे से कुत्ते का नाम मस्टर्ड है। बट द ड्रैगन वाज ए कावर्ड एंड सी कॉल्ड हिम कस्टर्ड, लेकिन वह जो ड्रैगन है वह कायर है, डरपोक है और विलिंडा उसको कस्टर्ड कहती है। कस्टर्ड द ड्रैगन हैड बिग शार्प टीथ एंड स्पाइक्स ऑन टॉप ऑफ हिम एंड स्केल्स अंडरनेथ माउथ लाइक ए फायर प्लेस चिमनी फॉर ए नोज एंड रियलियो ट्रूलियो डैगर्स आर ऑन हिज टूज। और इसमें कस्टर्ड के शारीरिक बनावट के बारे में बताया गया है इस पंक्तियों में। कस्टर्ड जो कि ड्रैगन है उसके जो दांत हैं बहुत ही शार्प हैं, तेज हैं एंड स्पाइक्स
on top of him and scales underneath. और उसके शरीर पर स्पाइक्स हैं, बाल जो खड़े खड़े बाल होते हैं, तो तीलियों के समान खड़े खड़े बाल हैं, और उस पे उसके नीचे स्केल्स है, जैसे मछलियों के बॉडी पे स्केल्स होती हैं, ठीक वैसा ही. माउथ लाइक ए फायरप्लेस, और उसका जो मुंह है, माउथ है, वो एक फायरप्लेस है, अग्नि का स्थान है, जहाँ से आग भभकती रहती है, निकलती रहती है. चिमनी फॉर ए नोज, और जो उसकी नाक है, नथुना है, वो एक चिमनी जैसा है, उसमें से धुआं निकलता रहता है. एंड रियलियो ट्रुलियो डैगर्स ऑन हिज टूज, और उसके पैर के उंगलियों में सचमुच के कटार हैं, उसके नाखून जो हैं इतने बड़े बड़े तेज और नोकीले हैं कि बिल्कुल कटार जैसे हैं. विलिंडा वाज एज ब्रेव एज ए बैरल फुल ऑफ बियर्स, एंड इंक एंड ब्लिंक चेस्ट लायंस डाउन द स्टेयर्स. मस्टर्ड वाज एज ब्रेव एज ए टाइगर इन ए रेज, बट कस्टर्ड क्राइड फॉर ए नाइस सेफ केज. इन पंक्तियों में कवि ने बताया है कि जो ये चार पेट्स हैं और बेलिंडा है, उनका व्यक्तित्व कैसा है, कौन बहादुर है और कितना बहादुर है, कौन डरपोक है तो कितना कमजोर डरपोक है. बेलिंडा वाज ए ब्रेव, बेलिंडा बहुत बहादुर है. ऐसे बैरल फुल ऑफ बियर्स, और इतनी बहादुर है जितना कि कोई ऐसा बहादुर हो जिसमें डर नाम की कोई चीज ही ना हो. बैरल फुल ऑफ बियर्स, बिल्कुल निर्भीक, डर का नामो निशान ना होना, इतनी बहादुर है कि उसके अंदर डर का कोई नामो निशान नहीं है. एंड इंक एंड ब्लिंक चेस्ट लायन डाउन द स्टेयर्स, और जो ये इंक और ब्लिंक हैं, बिल्ली का बच्चा और जो चूहे का बच्चा है, ये इतने बहादुर हैं कि अगर शेर भी घर में घुस आए तो उसको भी खदेड़ दें सीढ़ियों तक या घर के बाहर तक. मस्टर्ड वाज एस ब्रेव एस ए टाइगर इन ए रेज, और मस्टर्ड यानी कि वो कुत्ता इतना बहादुर है जितना कि एक टाइगर, एक बाघ गुस्से में होता है. तो गुस्से में जो बाघ जितना बहादुर होता है, जितना डरावना होता है, उस तरह से यह मस्टर्ड है या यह कुत्ता है. बट कस्टर्ड क्राइड फॉर ए नाइस सेफ केज, लेकिन वह जो डरपोक कस्टर्ड है, ड्रैगन है, वो हमेशा चिल्लाता है, कहता है कि उसे एक अच्छा सा सुरक्षित पिजड़ा दे दिया जाए जिसमें वो सुरक्षित रहे. बेलिंडा टिकल्ड हिम, सी टिकल्ड हिम अनमर्सीफुल. इंक ब्लिंक एंड मस्टर्ड दे रूडली कॉल्ड हिम परसिवल. दे ऑल सैट लाफिंग इन द लिटिल रेड वैगन एट द रियलियो ट्रुलियो कावर्डली ड्रैगन. इन पंक्तियों में कवि ने बताया है कि बेलिंडा और इंक ब्लिंक और मस्टर्ड कस्टर्ड के साथ या उस ड्रैगन के साथ कैसा व्यवहार करते हैं. बेलिंडा टिकल्ड हिम, बेलिंडा उसको चिढ़ाती थी. सी टिकल्ड हिम अनमर्सीफुल, बिल्कुल निर्दयता के साथ, बिना दया के साथ उसको चिढ़ाती थी. इंक ब्लिंक एंड मस्टर्ड दे रूडली कॉल्ड हिम परसिवल. दे ऑल सेट लाफिंग इन द लिटिल रेड वैगन. इंक और ब्लिंक, साथ ही साथ वो मस्टर्ड, बहुत ही अशिष्टता के साथ ड्रैगन को परसिवल या नासक कहते थे. मतलब कि उन लोगों का जो बहादुरी थी, जो मान प्रतिष्ठा थी बहादुरी के कारण, उस सबको वो मिट्टी में मिला देता था, ऐसा कहते थे. दे ऑल सैट लाफिंग इन द लिटिल रेड वैगन, और वे सभी उस छोटे से लाल रंग के वैगन में बैठकर ड्रैगन के ऊपर हंसते थे. एट द रिलियो टुलियो कावर्डली ड्रैगन,
और वैगन में बैठकर उस छोटे से सचमुच के ड्रैगन के ऊपर हंसा करते थे। विलिंडा जिगल टिल सी सुक द हाउस एंड ब्लिंक सेड विक विच इज जिगलिंग फॉर ए माउस। इंक एंड मस्टर्ड रूडली आस्क हिज एज व्हेन कस्टर्ड क्राइड फॉर ए नाइस सेफ केज। इन पंक्तियों में कवि ने बताया है कि जब वह ड्रैगन जिसे कायर कहते थे वो अपने लिए एक बढ़िया सा सुरक्षित पिंजड़े की मांग करता था तो उसको उसके साथ बाकी लोग कैसा व्यवहार करते थे, क्या कुछ कहते थे। बिलिंडा जिगल टिल सी सुक द हाउस। बिलिंडा इतना हंसती थी कि घर हिलने लगता था, इतना ठहाका लगाती थी। एंड ब्लिंक सेड विक विच इज जिगलिंग फॉर ए माउस। और जो ब्लिंक थी, जो चूहा था, वह भी उस पर बहुत जिगलिंग करते हुए हंसता था। इंक एंड मस्टर्ड रूडली आस्ट हिज एज व्हेन कस्टर्ड क्राइड फॉर ए नाइस सेफ केज। इंक मतलब वो बिल्ली, मस्टर्ड मतलब वो कुत्ता, उससे उसकी एज पूछा करते थे, उम्र पूछा करते थे ताना मारने वाले शब्दों में कि क्या तुम बच्चे ही हो। जब कभी वह ड्रैगन कहता था कि मुझे एक सुरक्षित सुंदर सा पिंजड़ा दे दो। सडनली दे हर्ड ए नेस्टी साउंड एंड मस्टर्ड ग्राउल्ड एंड दे ऑल लुक्ड अराउंड। मियाओ क्राइड इंक एंड ओ क्राइड बेलिंडा फॉर देयर वॉज ए पायरेट क्लाइंबिंग इन द विंडा। अब इन पंक्तियों में कवि ने बताया कि अचानक कौन सी घटना घटती है और फिर कैसी प्रतिक्रिया करते हैं विलिंडा और उसके चार पालतू जानवर। सडनली दे हर्ड ए नेस्टी साउंड। अचानक से वे सभी एक अजीब सा आवाज़ सुनते हैं, नेस्टी मतलब अजीब सा। एंड मस्टर्ड ग्राउल्ड एंड दे ऑल लुक अराउंड। और जो कुत्ता है, मस्टर्ड है, वो थोड़ा सा गुर्राता है। भौंकने से पहले जो कुत्ते जो आवाज़ निकालते हैं उसको गुर्राना कहते हैं, तो मस्टर्ड गुर्राता है और सभी चारों तरफ देखते हैं। म्यों क्राइड इंक एंड ओ क्राइड बिलिंडा। इंक वो छोटी सी बिल्ली म्याऊ करती है और बिलिंडा ओह करती है, चिल्लाती है। फॉर देयर वॉज ए पायरेट क्लाइंबिंग इन द विंडा। एक लुटेरा है जो खिड़कियों पे चढ़ रहा है। विंडा शब्द यूज किया गया है विंडो के लिए और विलिंडा से तुकबंदी के लिए किया गया है, राइमिंग के लिए किया गया है। पिस्टल इन हिज लेफ्ट हैंड, पिस्टल इन हिज राइट एंड ही हेल्ड इन हिज टीथ ए कटलास ब्राइट। हिज बियर्ड वॉज ब्लैक एंड लेग वॉज वुड। इट वॉज क्लियर दैट द पायरेट मेंट नो गुड। इसमें उस लुटेरे का चित्रण किया गया है इन पंक्तियों में कि लुटेरा कैसा दिखता है, क्या कुछ लिया हुआ है। पिस्टल इन हिज लेफ्ट हैंड, उसके बाएं हाथ में पिस्टल है। पिस्टल इन हिज राइट, उसके दाहिने हाथ में भी एक पिस्टल है। एंड ही हेल्ड इन हिज टीथ ए कटलास ब्राइट, और उसने अपने दांतों में एक बहुत ही तेज तलवार पकड़ रखा है। कटलास मतलब तलवार। हिज बियर्ड वॉज ब्लैक वन लेग वॉज वुड। उसकी जो दाढ़ी है, बियर्ड है, वो काले रंग की है और उसका एक पैर लकड़ी का बना हुआ है, मतलब एक पैर कभी कट गया था मारपीट करने में या जिस भी घटना में। इट वॉज क्लियर दैट द पायरेट मेंट नो गुड। यह स्पष्ट था कि ये लुटेरा का आना अच्छा नहीं है, मतलब बुरे का संकेत है, कुछ बुरा ही होगा।
Willinda paled and she cried, "Help, help!" But Mustard fled with a terrified yelp. Ink trickled down to the bottom of the household, and Little Mouse blinked strategically mouse hole. इन पंक्तियों में कवि ने बताया है कि जब इन लोगों को जानकारी हो गई कि एक लुटेरा खिड़कियों पे चढ़ रहा है, तो इन लोगों ने कैसा कुछ रिएक्ट किया, कैसी प्रतिक्रिया की. ब्लिंडा पेल एंड सी क्राइड हेल्प हेल्प. ब्लिंडा पीली पड़ गई, भय अत्यधिक हो जाता है तो चेहरा पीला पड़ जाता है, तो ब्लिंडा बिल्कुल पीली पड़ गई और वह बचाओ बचाओ हेल्प हेल्प चिल्लाई. बट मस्टर्ड फ्लेड विथ टेरिफाइड हेल्प. लेकिन वह जो कुत्ता था मस्टर्ड, वो भाग गया, बिल्कुल ही दुम दबा के भागा. टेरिफाइड हेल्प मतलब दुम दबा के भागना. इंक ट्रिकल डाउन टू द बॉटम ऑफ द हाउस होल्ड. और वह जो बिल्ली थी छोटी सी, वह सरकली घर के बॉटम में, घर का जो तलहटी वाला क्षेत्र था वहाँ पर. एंड लिटिल माउस ब्लिंक स्ट्रेटजिकली माउस होल्ड. और वह जो छोटा सा चूहा था, उसने भी पूरा योजना बनाकर माउस होल्ड या चूहे के बिल में घुस लिया. बट अप जम्प्ट कस्टर्ड स्नोर्टिंग लाइक एन इंजन. Clashed his tail like iron in a dungeon. With a clatter and clank and a jangling squirm, he went at the pirate like a robin at a worm. इन पंक्तियों में कवि ने बताया है कि जब लुटेरा आ गया सामने, तो ड्रैगन जिसका नाम कस्टर्ड था, उसने क्या कुछ किया. बट अप जम्प्ट कस्टर्ड स्नोर्टिंग लाइक ए इंजन. लेकिन कस्टर्ड कूद पड़ा, कूद कर बाहर आया और कुछ नाक से ऐसी आवाज़ निकल रही थी जैसे कि इंजन से आवाज़ आती है. क्लैश्ड हिज टेल लाइक आयरन इन ए डंजियन. और उसके पूंछ के पटकने से जो आवाज़ आई, वह कुछ ऐसी आवाज़ थी जैसे अंडरग्राउंड प्रिजन या लोहे के प्रिजन में, कैद खाने में कोई आयरन पटका जाए. विथ ए क्लैटर एंड क्लैंक एंड ए जेंगलिंग स्क्वर्म. और ये जो आवाज़ थी उसमें क्लैटर क्लैंक जेंगलिंग स्क्वर्म जैसी आवाज़ थी, जब मेटल के ऊपर पटकते हैं तो जो खड़खड़ तड़तड़ जैसी आवाज़ होती है, तो ऐसी ही आवाज़ आई जब ड्रैगन का पूंछ जमीन पे पटका गया. He went at the pirate like a robin at a war. वो ठीक उसी तरह से उस लुटेरे के पास गया, लुटेरे के ऊपर गया, जैसे कि रॉबिन नाम की चिड़िया कीड़े पर टूट पड़ती है. The pirate gaped at Belinda's dragon and gulped some grog from his pocket flagon. He fired two bullets, but they did not hit, and Custard gobbled him every bit. और जब ड्रैगन कूद कर सामने आता है, लुटेरे के ऊपर टूटता है रॉबिन बर्ड की तरह, तो क्या कुछ घटित होता है इन पंक्तियों में बताया गया है. The pirate gaped at Belinda dragon. वह जो लुटेरा था बेलिंडा के ड्रैगन को मुंह बाकर देखता रहा गया, अवाक होके देखता रहा, घूरता रहा. एंड गल्प्ड सम ग्रॉग फ्रॉम हिज पॉकेट फ्लैगन. ग्रॉग का मतलब शराब होता है, फ्लैगन मतलब वो बोतल जिसमें शराब रखी जाती है. तो पॉकेट में जो उसने फ्लैगन में शराब रखी थी, उसमें से उसने कुछ घूंट पिए. He fired two bullets, but they did not hit. उस लुटेरे ने दो बार फायरिंग की, लेकिन गोलियां नहीं लगी. The custard gobbled him every bit. और ड्रैगन उसे समूचा निगल गया. Belinda embraced him, mustard licked him, no
one mod for each pirate victim. Ink and Blink in Glee did gyrate around the dragon that ate the pirate. इन पंक्तियों में बताया गया है कि जब लुटेरे का काम तमाम हो गया तो फिर विलिंडा और उसके पेट्स ने क्या कुछ किया ड्रैगन के साथ. विलिंडा इम्बेस्ड हिम, विलिंडा ने उसको गले से लगा लिया. मस्टर्ड लिक्ड हिम और कुत्ता अपनी आदत के अनुसार उसे चाटने लगा. नो वन मॉर्ड फॉर हिज पायरेट विक्टिम, किसी को भी उस लुटेरे के ख़त्म होने का या लुटेरे के भोजन बन जाने का कोई दुख नहीं था. इंक एंड ब्लिंक इन ग्ली डिड जायरेट राउंड द ड्रैगन दैट एट द पायरेट. और इंक और ब्लिंक, बिल्ली और चूहे ने ड्रैगन के चारों तरफ घूमना शुरू कर दिया जिसने उस लुटेरे को खा लिया था. बट प्रेजेंटली दैट प्रेजेंटली अप स्पोक्स लिटिल डॉग मस्टर्ड, I would have been twice as brave if I had not been flustered. And up spoke Ink and up spoke Blink. We would have three times as brave we think. And Custard said, I quite agree that everybody is braver than me. अब इन पंक्तियों में बताया गया है कि जब लुटेरे को ख़त्म कर दिया गया, थोड़ी देर खुशियां मनाई गई, फिर उसके बाद सबने किस तरह से अपना अपना पक्ष रखा, कैसा कैसा बयान दिया. बट प्रेजेंटली अब स्पोक लिटिल डॉग मस्टर्ड, लेकिन अब तभी उस छोटे से कुत्ते मस्टर्ड ने कहा, आई वुड हैव बीन ट्वाइस एज ब्रेव If I had not been flustered. उस कुत्ते ने कहा कि मैं कम से कम दो गुना बहादुरी दिखाया होता या मैं दो गुना बहादुर हूँ अगर मुझे कन्फ्यूजन नहीं हुआ होता तो. फ्लस्टर्ड मतलब कन्फ्यूजन, क्योंकि मैं थोड़ा समझ नहीं पाया कि क्या स्थिति है, क्या कुछ हुआ है, अदरवाइज मैं दो गुना बहादुरी दिखाया होता. एंड अप स्पोक इंक एंड अप स्पोक ब्लिंक, उसके बाद इंक और ब्लिंक ने भी अपनी बात कही. वी वुड हैव बीन थ्री टाइम्स एज ब्रेव वी थिंक, हम लोग समझते हैं कि हम लोग तीन गुना ज़्यादा बहादुर हैं. एंड कस्टर्ड सेड आई क्वाइट एग्री, और कस्टर्ड ने कहा कि मैं पूरी तरह से सहमत हूँ दैट एवरीबॉडी इज ब्रेवर देन मी, मैं इस बात से पूरी तरह से सहमत हूँ कि हर कोई मुझसे ज़्यादा बहादुर है. बिलिंडा स्टिल लिव्स इन हर लिटिल वाइट हाउस, बिलिंडा अभी भी अपने उस छोटे से सफ़ेद से मकान में या घर में रहती है. विथ हर लिटिल ब्लैक किटन एंड हर लिटिल ग्रे माउस, अपने उस छोटे काले बिल्ली के बच्चे के साथ और भूरे रंग के चूहे के साथ. एंड हर लिटिल येलो डॉग एंड हर लिटिल रेड वैगन, और साथ में उसका पीला कुत्ता भी है और लाल रंग की वैगन भी है. एंड हर रियलियो ट्रूलियो लिटिल पेट ड्रैगन, और उसका जो सच्चा जीता जागता ड्रैगन है वो भी है. बिलिंडा इज एज ब्रेव एज ए बैरल फुल ऑफ बियर्स, बिलिंडा इतनी बहादुर है जितना कि एक बहादुरी की जो परिभाषा बताई गई है उतनी बहादुर है. एंड इंक एंड ब्लिंक चेस्ट लायंस डाउन द स्टेयर, और इंक और ब्लिंक इतने बहादुर हैं कि शेर को भी खदेड़ दें अगर शेर घुस आए घर में तो. मस्टर्ड इज एज ब्रेव एज ए टाइगर इन ए रेज, और वो कुत्ता मस्टर्ड इतना बहादुर है जितना कि बहादुर गुस्से में होता है एक टाइगर या एक बाघ. बट कस्टर्ड कीप्स क्राइंग फॉर ए नाइस सेफ केज, लेकिन वो जो कस्टर्ड है वो अभी भी चिल्लाता है, मांग करता है कि उसे एक बढ़िया सुरक्षित पिंजड़ा दिया जाए.